राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गीताई गौरंग जय गीताई गौरंग 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 हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गीताई गौरंग हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गीताई गौरंग हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल ज्ञानतिमिरामदस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय यैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ ऐ छय गोसाई करी चरण वंदन जाहा हैति विघ्न नाथ अभीष्ट पुराण श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद समाप्त भद्र बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे द्वार जोर कर बोलो बोले हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 राम
कृष्ण, सब इधर आ जाओ, कथा में आ जाओ। अभी 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 काम थोड़ी देर रात में कर लेना, सब कथा सुन लो, आ जाओ। सारा दिन खाने पीने में लगी, चौका बर्तन में लगी, आज अच्छी बात है, भूखे ना भजन हो तुम्हारा। अभी कथा सुन लो कर लेना, आ जाओ कथा में आ जाओ। मीना दीदी कथा में आ जाओ, भोग लगाना है ना, थोड़ी देरी बाद में लगाना है, कथा सुनो। सर्वप्रथम मेरे गुरु पाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल अनंत कोटि साष्टांग धन्यवाद प्रणाम करता। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज भक्ति वेदांत स्वामी महाराज गौरव गोविंद महाराज एवं श्री भक्ति प्रज्ञान श्रील भारती महाराज सभी वैष्णव वैष्णव को यथाजुग प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। आज एक विशेष स्थिति है, कहते आज ये श्री चिड़ा दही महोत्सव है। कोई बात नहीं, कल होगा, कल तो हम वहाँ चले जाएंगे। कहते ये चिड़ा दही महोत्सव है, इसका बड़ी इसका बड़े महत्व है। कहते श्री रघुनाथ दास गोस्वामी का ये जीवन चरित्र में ये चिड़ा दही महोत्सव कथा थी। कहते श्री हमारे जो कहते श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीव दया करी सपार्षद सियो धर्म सावतारी। इसलिए भगवान जब इस जगत में आते हैं अकेले नहीं आते, पूरा धाम और अपना पूरा परिक्रमा को लेकर के आते और उनको द्वारा लीला करते हैं। अब तो यहाँ पर तो नहीं, अब इंडिया में देखना, कहीं अगर राम लीला हो, कहीं कृष्ण लीला कहीं हो ना, वो ऐसा आकर के स्टेज में ये लीला नहीं करते, वो पहले प्रिपरेशन होते हैं। राम कौन बनेगा, सीता कौन बनेगा, लक्ष्मण कौन बनेगा, भरत कौन बनेगा और हनुमान कौन बनेगा, माता जी सब पता है। इसलिए हनुमान कौन बनेगा, वो पहले पूरा प्रिपरेशन करते हैं, प्रिपरेशन करके आकर के स्टेज में ये लीलाओं को दर्शन कराते। उसी तरह भगवान जब उसी जगत से आते हैं, पूरा के पूरा परिक्रम लेकर आए हैं, इसलिए आकर के जगत में लीला करके हम लोगों के लिए आदर्श रूप में रख करके जाते हैं। अगर हमको भक्ति करना तो कैसे भक्ति करनी है चाहिए, वो स्वयं अपना जीवन में दर्शन करा के जाते हैं। इसलिए कहते आज श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की हम कथा सुनेंगे। कहते रघुनाथ दास गोस्वामी कौन है कृष्ण लीला में, तब इसमें श्री गौरव ग्रंथ दीपिका ग्रंथ में जिसमें महाप्रभु का भक्त कौन कौन कृष्ण लीला में कौन थे और महाप्रभु के लीला में वो कौन है, हैं? उसमें बताएंगे कौन है। ललितास रघुनाथस्य पूर्वाख्य रसमंजरी अमुम के चेत प्रभासते श्रीमती रति मंजरी भानो मत्ताख्या चिदाहु स्तम नाम भेदत। यहाँ पर कहते हैं श्री प्रभु, यहाँ प्रभु गोस्वामी कहते हैं ये कौन कौन थे कृष्ण लीला में। कहते श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पहले कोई कहते ये रसमंजरी, राधा रानी की ये रसमंजरी थी। कहीं कहीं पर आता है ये रति मंजरी, राधा जी की अत्यंत अत्यंत ये प्रिय दासी सी। कहीं कहीं कहते हैं एक भानुमत्ताख्या एक सखी है, कहते ये कहीं कहीं कहते ये भानुमत्ताख्या सखी थी। आप बोलोगे इतने सारे लोग एक व्यक्ति कैसे हो गए, हैं? इसलिए कहते महाप्रभु का जितने परिकर ये पूर्ण है, जैसे श्री राय रामानंद, राय रामानंद कौन है, कहते अर्जुना सखी भी है, ये अर्जुन भी है, ये तो विशाखा है ही है, ललिता की कुछ अंश है और राय रामानंद, ये सब के सब मिल करके एक रूप में श्री राय रामानंद। उसी तरह श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ये सब मिल करके ये श्री रघुनाथ दास गोस्वामी हैं। साधारण लोगों का भारत में क्या भावना है, ये सब बाबा कौन बन जाते हैं, ये बाबा कौन बनते हैं, उनको भावना है जिनको पैसा कमाने का कोई उपाय नहीं मिलता है, हैं?
इसलिए पैसा कमाने का कोई काम बंदा है नहीं, इसलिए ये सब छोड़ छाड़ करके सब के सब बाबा बन जाते हैं और भीख भीख मांग करके भिक्षा करके ये सब के सब भोजन करते हैं। कुछ लोग का भावना है, लेकिन आप देखोगे महाप्रभु का जितने परिकर है ये कोई साधारण करके नहीं थे। सनातन गोस्वामी उस समय कौन थे? नवाब का प्राइम मिनिस्टर है। हम पहले सुन रहे थे ना, हम नौकरी दिल्ली बाहर भारत में देखना रिश्वत देना पड़ता है, लेकिन रिश्वत दे करके नौकरी छोड़े। कितने रिश्वत दिए? 10,000 स्वर्ण मुद्रा अरब खरब रुपया उन्होंने रिश्वत दिया, नौकरी छूटे और वृंदावन में जाकर के भजन करे। रघुनाथ दास गोस्वामी कौन थे? श्री रूप गोस्वामी फाइनेंस मिनिस्टर थे, सारे रुपया पैसा जिनके पास में रहता था हाँ? लेकिन इन लोगों ने श्री नरोत्तम दास ठाकुर का नाम सुने। कौन थे? राजा। ये राजा के बेटे थे नरोत्तम दास ठाकुर हैं। और ये रघुनाथ दास गोस्वामी कौन थे? बोले जिनकी वार्षिक आय 10 लाख स्वर्ण मोहर, जिनकी वार्षिक आय इतना इनकी आय था, इसलिए इनके लिए उदाहरण देते हैं। कहते इंद्र के बराबर जिनके घर में ऐश्वर्य थी, इंद्र के बराबर जिनके घर में ऐश्वर्य थी, बल पत्नी कितने सुंदरी। उदाहरण देते हैं स्वर्ग के अप्सरी जैसे हैं, स्वर्ग के अप्सरी जैसे उनकी पत्नी थी। जब इन्होंने सब कुछ छोड़ करके भगवान की भक्ति करने के लिए जाना चाहते थे, सब छोड़ करके प्रभु की भक्ति करना जाना चाहते थे बारम्बार हैं, बारंबार क्या करते थे उसको छोड़कर चले जाते थे भजन के लिए, क्योंकि दो भाई थे हैं, एक गोवर्धन मजुमदार और हिरण मजुमदार, दो भाई, लेकिन एक भाई का एक बेटा, एक भाई का कोई बेटा नहीं। अथा संपत्ति घर में अथा संपत्ति। अभी वो सोच रहे हैं हर पिता माता यहाँ पर तो इतना है ही नहीं, लेकिन भारत में तो भारत से आप लोग करके सब आए हो, हर पिता माता क्या सोचते हैं। अगर पिता माता की बहुत प्रॉपर्टी हो, हर पिता माता की भावना मेरे पीछे कौन देखेगा, मेरे पीछे ये सारे संपत्ति को मेरे पीछे कौन देखेगा। भारत में इस भावना है ना, सब बच्चे के लिए कमा करके जाते हैं, बच्चे के लिए सारी संपत्ति बच्चे के लिए रख करके जाते हैं, भविष्य में बच्चे देखभाल करें बच्चे के लिए, भारत में सब चीजें, इसलिए उनकी इतने संपत्ति। अभी ये सोच रहे है ये सब संपत्ति को कौन देखेगा, इतने सारे संपत्ति और एक, और भारत में विशेष करके भारत में क्या कहते हैं, मरने के बाद हमारे पिंड कौन देगा, भारत में कितना हमारी पिंड कौन देगा हमारी बात में, बच्चों के लिए पिता माता ये सोचते हैं पिंड कौन देगा। हमारे भारतीय संस्कृति अपना सबको सब चाहते हैं अपना परंपरा को रख करके जाए, कोई नहीं चाहते परंपरा को छोड़ करके जाए, सब चाहते हैं हमारे बच्चे के बच्चे के बच्चे होनी जो काम भेज रहे, इसलिए जो कथा हो ना कहीं इधर उधर नहीं जाना, सारे काम को छोड़कर बैठ जाना, समझ रहे हो हाँ, इधर उधर दिमाग नहीं घुमाने, बाद में कर लेना सब काम। इसलिए हर पिता माता यही चाहते ना भारत में, इसलिए सोच रहे भैया हमारी प्रॉपर्टी को कौन देखेगा, हमारी खानदान रक्षा कैसे होगी, मरने के बाद हमें पिंड कौन देगा, ये तो सोचते है हर पिता माता है, पिंड कौन देगा, हमारी उधार कैसे होगा, इसमें हमारी भारतीय संस्कृति। लेकिन यहाँ तो सब कुछ है ही नहीं, यहाँ पर विदेश में तो सब कुछ नहीं, लेकिन भारत में सब चाहते, इसलिए वो सोचते हैं हमारी परंपरा को कौन, हमारी परंपरा को रक्षा करेगा, इसलिए ये सोचते हैं। लेकिन ये तो सब छोड़ छाड़ करके चले जाते, सब छोड़ छाड़ करके बाबा बनने के लिए तैयारी, लेकिन पिताजी क्या करते हैं, तुम भी कहाँ जा रहे हो, इसलिए जो कथा में बैठे ना फोन को बंद कर देना, फोन सब बंद कर देना, फोन तो चलाएंगे थोड़ी देर बाद में, ठीक है। इसलिए उन्होंने अभी उन्होंने किया कि अभी वो सोच रहे परंपरा को क्या करेगा, बार बार पकड़ करके ले आते बेटे को, एक ही बेटा पकड़ कर पकड़े ले आते, और वो बार बार भाग जाता है, छोड़कर भाग जाता है। एक समय उनकी पत्नी हैं, उनकी माँ उसको पिताजी को बोले, बोले क्या कर रहे हो, बच्चा भाग जाता है पकड़ पकड़े ले आता, एक काम करो लोहे की जंजीर ले आ, लोहे की
झंझर ले इसका हाथ पैर को बांध कर धर्म पटक कर रख दो, फिर ये घर से भाग नहीं पाएगा, घर से भाग नहीं पाएगा। फिर वो क्या कहते हैं, बोले बेटी, पत्नी को कह, बोले भागरी, जगत में जो दो चीज है ना, ये संसार में जीव को बांध कर रखती है। क्या दो चीज, क्या क्या है? एक पत्नी, एक पत्नी। तब तक वो इधर उधर भागता रहता है जब वो शादी नहीं हो जाए। शादी हो गया तो बात सब भूल जाता है। हाँ, आपको बीवी को पता ही, सब भूल जाता है। और दूसरी जो चीज है, कहते पैसा है, पत्नी और ये पैसा, कि जो दो चीज है संसार में जीव को सबसे बड़ा बंधन है। अब देखना, शादी से पहले इधर उधर घूम जाओ, शादी हो गया तो हाथ पैर में जंजीर लग गई तुम्हारी। घर से एक पैर बाहर रहता तो सोचना पड़ता है घर में पत्नी है, इसको छोड़ करके कहाँ जाए, सोचना पड़ता है कि नहीं? पहले उसकी तो दुनिया के किसी आदेश लो, मतलब पहले उसकी आदेश लेना पड़ती है, मैं जाऊं कि नहीं जाऊं। इसलिए जगत में सबसे तो बंधन है, लेकिन हमारी घर में वो दो चीज परिपूर्ण रूप में, पैसा और स्त्री, स्वर्ग की बराबर अवसर के जैसे उसकी पत्नी, और पैसा तो इंद्र के बराबर घर में पैसा है। कि जब ये जीवन तो ये श्रृंखला है, लेकिन जब ये दो चीज उसको बांध नहीं पाए, और ये जड़ है लोहे की जंजरी, ये जड़ वस्तु क्या बांधेगा है? तब तो वो कहते हैं चैतन्य और बातुर जाले के राखी ते पारे। एक उदाहरण देते हैं, एक बार कोई भगवान का प्रेम में पागल हो जाए ना, इसलिए हिंदी में कहावत है, कोई धन दौलत के पागल है, कोई पागल है बेटा नारी के। लेकिन ये जितने सारे पागल है ना, सब झूठे पागल है, लेकिन असली पागल कौन है? जो पागल है श्री बांके बिहारी। एक बार अगर उनकी प्रेम में एक बार कोई पागल हो जाए ना, सारे पागल फीका बढ़ जाती है, फिर तो सारे पागल उसकी फीके बढ़ जाती हैं। इसलिए एक बार कृष्ण प्रेम में एक बार पागल हो जाओ, इसे तुम लोग भी पागल हो, है ना? पागल तो है ही है, लेकिन किसमें पागल हो? कृष्ण प्रेम में पागल हो, तभी तो सारे काम को पीछे छोड़कर यहाँ बैठे हो, तभी तो सब छोड़कर चढ़कर यहाँ पर बैठे हो, नहीं तो पागल नहीं होते। तो सिनेमा की पागल हो तो सिनेमा में चली जाती, यार दोस्त का पागल होते तो उनको साथ में घूमते रहती, लेकिन आप लोग कृष्ण प्रेम में पागल हो, इसलिए सबको छोड़ करके यहाँ पर बैठे हो, ठीक है ना? इसलिए यहाँ पर श्री, हम पहले बोल रहे थे ना, तब तक ये संसार का विषय वस्तु तब तक उसकी आकृष्ट करता है। बोले कब तक है? बोले जब तक भगवान के प्रेम को, भगवान की भक्ति को कोई आस्वादन नहीं करता है ना, तब तक ये दुनिया की जो आकर्षण जीव को आकर्षण करता है, है? इसलिए हम पहले सुन रहे थे बिल्लो मंगल जी क्या कह रहे हैं, बोले अगर किसको राधा कृष्ण का प्रेम में अगर किसको ऊपर था रंग लग जाए, रंग चढ़ जाए, भक्ति का रंग चढ़ जाए, दुनिया की सारे रंग उसको सामने फीकी पड़ जाती है, है? इसलिए कहते साधी माधी कन चिंता भवती सर करे कर्क साहसी। कहते हे सर करे, तुम कर्कस हो गए हो, तुम तो कड़वा हो गए हो। बोले तेरे तरफ में कोई नहीं देखेगा, क्यों? बोले राधा कृष्ण का प्रेम रस आस्वादन कर रहे। बोले द्राक्षा द्राक्षसी, द्राक्षा होता है क्या? अंगूर का रस है, वो द्राक्षा रस कहते हैं, हाँ अंगूर का रस। बोले द्राक्षा द्राक्षसी, बोले द्राक्ष रस तेरे तरफ में और कोई देखेगा नहीं। बोले अमृत अमृतमसी, बोले अमृत तू मर जा, अमृत तो मर जा, हैं? कि वो तेरे तरफ में और कोई देखने वाले नहीं, क्यों? कृष्ण प्रेम रस आस्वादन हो रहा है। इसलिए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी क्या करते हैं, वो बारंबार सब कुछ छोड़ छाड़ करके, बारंबार सब छोड़ करके भाग जाते हैं, और उसको पकड़ पकड़ करके, उसको पिताजी पकड़ पकड़ कर उसको ले जाते किसी तरह से कि घर में टिक जाए, घर में किसी तरह से टिक जाए, और अपना पत्नी के मोह में थोड़ा आसक्त हो जाए, फिर घर को छोड़े नहीं, लेकिन बारंबार भाग जाते हैं। जब बारंबार भाग जाते हैं, इतने में क्या हुआ, एक समय श्री नित्यानंद प्रभु आए। नित्यानंद प्रभु कौन? श्री दाऊ भैया बलदेव प्रभु, जो आदि गुरु श्री नित्यानंद प्रभु है, आदि गुरु बलदेव प्रभु। बलदेव प्रभु ही ये कलयुग में श्री नित्यानंद प्रभु बन करके आए। एक समय श्री नित्यानंद प्रभु वो आए, एक स्थान है जिसका नाम पानी हाटी है। हम लोग तो गए नहीं, हम लोग गए तो बड़ी सुंदर गंगा बह
विशाल गंगा वहां पर बह रही है और बड़े सुंदर वटवृक्ष, बहुत मनोरम स्थान है। गए थे? गए थे ना? अच्छी बात है। इसलिए एक बार नित्यानंद प्रभु वहीं पर पानी घाटी में, नित्यानंद प्रभु आए, जब नित्यानंद प्रभु पानी घाटी में आए, अभी पता चला रघुनाथ दास गोस्वामी को नित्यानंद प्रभु यहाँ पर आए, नित्यानंद प्रभु यहाँ पर आए, तब उन्होंने उनको दर्शन करने के लिए गए। जब नित्यानंद प्रभु को दर्शन करने के लिए गए, नित्यानंद प्रभु उनको देख करके ना है, तब उनको बोले चोरी धरा, चोरा चोरा मतलब बोले चोरी धरा, मतलब चोरी धरा, बोले चोर किसको कहते हैं, किसको चोर कहते हैं, अगर तुम्हारी वस्तु को कोई चोरी करके ले जाए, कोई चोरी करके, इसको चोर कहते हैं ना, बोले तुम चोर इधर आ, बोले ऐसे क्यों कह रहे, बोले देखो राधा कृष्ण का जो संपत्ति है, किसकी संपत्ति, राधा कृष्ण की, कहते श्री नित्यानंद प्रभु की। हम कहते ना निताय करुणा हवे ब्रजे राधा कृष्ण पावे, हे ना निताय विनय भाई राधा कृष्ण पाए ते ना, जब तक श्री नित्यानंद प्रभु का कृपा नहीं हो तब तक भगवान तुमको प्राप्त नहीं हो सकते हो, महा नित्यानंद प्रभु की करुणा होगी तभी भगवान तुम्हें प्राप्त हो सकते, क्योंकि जो नित्यानंद प्रभु ये आदि गुरु है, ये आदि गुरु है। इसलिए भक्त विनोद ठाकुर कहते हैं ना, कृष्ण से तुमार कृष्ण दिते पार तुमार सकतिया छे और आमित कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली धाई तब पाछे पाछे। बोले भगवान किसके हैं, बोले भगवान भक्त का, हम कितना भक्त का भगवान है। इसलिए भगवान कहाँ रहते हैं, बोले भक्तों की हृदय में, संतों की हृदय में भगवान का निवास है। इसलिए कृष्ण से तुमार कृष्ण भगवान किसके हैं, बोले कृष्ण भक्त का ही भगवान है, हैं भक्त का ही भगवान। भगवान कहाँ रहते हैं, बोले भक्तों का हृदय में भगवान रहते हैं। जैसे आपके पास में कोई संपत्ति का मालिक है आप, लेकिन आप जब दोगे तो संपत्ति तो किसको मिलेगा ना, अगर आप नहीं दोगे तो उनको कैसे मिलेगा, और मिल नहीं सकता है। इसलिए संपत्ति जो है भक्ति का संपत्ति, भगवान की जो संपत्ति कहाँ पर है, ये भक्तों के पास में ये संपत्ति है, हैं? ये भक्तों के पास में ये संपत्ति, अगर वो अगर चाहे तो फिर वो किसी को ये संपत्ति दे सकते हैं, अगर वो नहीं चाहे तो अब जितने प्रयास कर लो भगवान मिलने वाले नहीं। इसलिए श्री नित्यानंद प्रभु श्री रघुनाथ दास गोस्वामी उन्होंने पहले बहुत कोशिश किया है, घर छोड़ करके महाप्रभु के पास में जाए, भगवान की भक्ति करे महाप्रभु, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। क्यों? जिसका संपत्ति तुम उनको पास में नहीं गए, तुम डायरेक्ट चोरी करना चाह रहे हो, जिसका पास वो संपत्ति तो उसको पास में जाओ तब तो संपत्ति मिलेगा, तब तो मिलेगा कैसे, वो तो गए गए नहीं, मिलेगा कैसे। इसलिए नित्यानंद प्रभु उनको कहते हैं, कहते तुम चोर इधर आ, इधर आ चोर, बोले आज तुमको मैं दंड दूंगा, तुमको मैं दंड दूंगा। तो इतने में तब उन्होंने बताया, भैया क्या क्या दंड दोगे, देखो भक्ति जगत में दंड भी बहुत मीठा है, दंड भी ना भक्ति जगत में, दंड भी भक्ति जगत में सब चीज मिठाई मिठाई है, यहाँ पर तो कोई कड़वी चीज है नहीं, दंड भी बड़े मीठा। बोले प्रभु बताओ क्या दंड दोगे, बोले ये जितने हारे मेरे जो भक्त लोग है ना, संत है मेरे भक्त, इनको तुम फीस दो, इनको फीस दो। देखो किसको दंड दे तो मार होता है ना, जेल होता है, लेकिन भक्ति जगत में दंड देना मतलब होता है सबको फीस दो, सबको फीस दो, सबको उत्सव दो, हैं उत्सव। तब जब उन्होंने ये बात सुने वो तो बड़े खुश हो गए, हैं बड़े उन्होंने खुश हो गए, बड़े खुश होकर बोले कोई चिंता नहीं प्रभु जी, मैं सारे संतों को मैं फीस दूंगा, उत्सव दूंगा। यहाँ प्रश्न है, तो उन्होंने बोले ये भक्तों को है, कहते भक्तों को दंड में इनको फीस देने के लिए क्यों बताए, कारण क्या है, बोले कारण ये बताए। अब लोग रथ यात्रा प्रसंग में हम सुनेंगे, जिस समय श्री महाप्रभु जगन्नाथ जो गुंडीचा मंदिर को साफ कर रहे थे, जो अच्छे तरह से साफ कर रहे थे, महाप्रभु तो उनको बड़े तारीफ कर रहे थे, पीठ पर हाथ थपथपा रहे थे, बोले वाह क्या सुंदर तुमने मंदिर साफ कर रहे हो। लेकिन कुछ होते है कामचोर, कामचोर नाम सुनेंगे हैं, कामचोर कुछ वो लोग होते ना, कहीं अगर काम करना पड़े वो अपने आप दूर में रहते, जैसे काम करना नहीं पड़ जाए, कुछ कामचोर होते हैं। अभी जो कामचोर जो थे ना, जो 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 सही सही मंदिर को सेवा नहीं कर रहे थे, मंदिर की साफ सुथरा नहीं कर रहे थे, जो कामचोर थे,
महाप्रभु बोलते थे देखो कौन कितना ये मंदिर को साफ किया है पता कैसे चलेगा। वो मंदिर एक साल से पड़ा रहता था, कोई नहीं जाते थे, बहुत धूल जम जाती थी। बोले कौन कितना बढ़िया से साफ किया तभी पता चलेगा, जिसने जितना धूल को इकट्ठे किया है, जो जितने धूल को इकट्ठे किए हैं वो पता चलेगा कौन। तो जो ज्यादा धूल इकट्ठा किया मतलब बढ़िया साफ किया, और जिसका धूल कम होगा पता चलेगा इसने साफ ठीक से नहीं किया। महाप्रभु बोले देखो जो ठीक से मंदिर साफ नहीं करेगा ना उसको हम दंड देंगे। बोले दंड क्या देंगे? बोले भक्तों को भंडारा खिलाओ, भक्तों को उत्सव दो, भक्तों का उत्सव दो। यहाँ पर एक रहस्य है। बोले क्या रहस्य है? मंदिर साफ करना मतलब क्या है? अपना हृदय को जो साफ कर रहा है, अपना हृदय में ऊपर तो मंदिर साफ कर लिया लेकिन हृदय के जो गंदगी काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य इसको कैसे साफ करोगे? हैं इसको साफ कैसे होगा? ये साफ तभी जब ठीक ठीक से भगवान की भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, सेवा करेंगे, और विशेष करके कलयुग में ये हरिनाम कीर्तन जब करेंगे। एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोला हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। और एक बार जोर करके बोलो, बोला हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हरि नाम से क्या होता है? अपना हृदय उसमें साफ हो जाती है हरि का नाम। इसलिए महाप्रभु बोले चेतु दर्पण मार्जनम, चित्त रूपी जो दर्पण में जो हमारे हृदय रूपी दर्पण जो काम क्रोध लोभ मोह जन्म जन्मांतर का जो अनर्थ भरा पड़ा हुआ है वो भगवान का कीर्तन से ही वो साफ होता है, हैं? इसलिए बोले जो सही सही साफ नहीं कर रहा था मतलब क्या? जो सही सही ठाकुर जी की भक्ति नहीं कर रहे थे, प्रभु की भक्ति नहीं कर रहे थे, बोले क्या दंड? बोले सारे भक्तों को उत्सव दो, भक्तों को उत्सव दो। उत्सव देना मतलब क्या? जब भक्तों की सेवा करोगे, भगवान की भक्तों की सेवा करोगे, भक्तों के हृदय में भगवान बैठे हुए, जब भगवान बैठे हुए जब उनकी सेवा करोगे क्या होगा? तुम्हारे कुछ संस्कार बनेगा। क्या बनेगा? संस्कार। इसलिए हमारे भारत में देखना सब लोग कहते थे जितने तुम पैसा कमाते हो उसको कुछ अंश अच्छे काम पर लगा, कुछ अंश उसकी अच्छे काम पर लगा, हैं? कुछ कुछ दान पुण्य में कुछ दो। इसलिए भारत में देखना, आप देखना भारत में बच्चों को हाथ में कुछ जब जब मंदिर में जाते हैं ना वो पैसा बच्चों का हाथ में दे करके दिलाते, जब मंदिर ठाकुर के मंदिर में ये पैसा चढ़ाओ नहीं तो ये अच्छे काम पर चढ़ाओ। क्यों? उसमें बच्चों का ये दान पुण्य में ना ये बच्चों की प्रवृत्ति होता है, बच्चों की प्रवृत्ति होता है, बच्चों के अंदर ये भावना आती, क्योंकि पहला गुरु तो पिता माता है ना, कहां से संस्कार पड़ेगा? पिता माता से ही संस्कार पड़ेगा, संस्कार तो पिता माता से पड़ेगा। इसलिए जब बच्चों को हाथ से दिलाते बचपन से इनकी स्वभाव होता है देने का। इसलिए आप देखना आपको गुजराती है ना, आप देखना अभी ज्यादा अगर कोई पैसा वाला ना गुजराती है, अब कहीं देखो ये चीज को समझ लो क्यों है, क्योंकि ये लोग है ना कुछ पैसा से कुछ परसेंट देखो वो दान में देते हैं। जैसे आपको बैंक बैलेंस रखा हुआ, अब एटीएम के में पैसा है लेकिन पैसा है तभी तो जाकर निकालते हो, और अगर पैसा नहीं है तो कहां से निकालोगे? कहां से निकालोगे? ये नहीं। इसलिए इसी जीवन में किसी को देखना इतना अरब खरब पति घर में जन्म ले लिया, टाटा बिरला अंबानी घर में जन्म ले लिया, वो जन्म होते ही देखना वो सारे पैसा की सारे मालिक वही बन जाता है, बन जाता है कि नहीं? केवल इतना ही निर्भर करता है कि उसी घर में जन्म ले ले अपने आप सारे। किसको देखना जो रोडपति होकर के रिक्शा वाला नहीं तो जो मजदूरी करते उसके घर में जन्म ले, बोले क्यों वहां पर क्यों वो जन्म लिया, वो वहां पर क्यों जन्म लिया? बोले भैया पहले वो देख करके आया है उसका बैंक बैलेंस है, वो पहले दान दिया है इसलिए वो वहां पर जन्म ले लिया। केवल जन्म होने का केवल कारण लेते, जन्म होते सारे प्रॉपर्टी का मालिक वही तो बन जाती है। इसलिए देखना बच्चों का हाथ से दिलवाते हैं, क्यों? दोगे तो तभी तो पाओगे ना, नहीं दोगे तो कहां से मिलेगा? कुछ है ही नहीं तुम्हारे पास, बैंक बैलेंस है ही नहीं, एटीएम में कहां से पैसा निकले? तुमने जमा ही नहीं किया है, तुमने जमा ही किया ही नहीं है। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद टीका में लिखते हैं, प्रभुपाद यहाँ टीका लिखते हैं क्यों? महाप्रभु बोले इनका सेवा करो, कारण क्या है?
कारण है, जब तुम इनकी सेवा करोगे तब तो मेवा मिलेगा ना। सेवा नहीं करोगे तो कहां से मेवा मिलेगी तुमको? तुमने किया ही नहीं कुछ, कहां से तुम मिलेगा? पकड़ो कर घूमोगे दोगे तो मिलेगा। इसलिए भारत में देखना बच्चों को हाथ से दिलवाते हैं, तुम तो इनके अंदर में प्रवृत्ति आई, देने का प्रवृत्ति आई है, देने के अंदर में भावना आई, इसलिए जितना दोगे उतना ही तुम्हें मिलेगा। देना मतलब तुम बैंक बैलेंस हो रहा है, फ्री बैंक बैलेंस हो रहा है। इसलिए यहाँ पर कहते सब क्या करो, भक्तों की सेवा करो, सेवा करो भक्तों की, वैष्णव की सेवा करो, उनके हृदय में भगवान का निवास है। जब ये भक्त खुश हो जाते हैं ना, भगवान अपने आप खुश हो जाते हैं। जब भक्तों की सेवा में, ठाकुर की सेवा में कुछ लगाएंगे, लक्ष्मीपति ठाकुर है ना, लक्ष्मी किसको पास में, लक्ष्मी लक्ष्मीपति है ना, कौन नारायण है ना, नारायण तो लक्ष्मीपति। जब नारायण की सेवा करोगे तब तो उसकी पत्नी लक्ष्मी आएगी, और अगर उनको सेवा नहीं करोगे लक्ष्मी कहाँ से आएगी? भले ही जितना घाट ले, जितना परिश्रम कर ले, कुछ होने वाले नहीं है, कुछ होने वाले नहीं, क्योंकि लक्ष्मी की पति नारायण है। उनकी सेवा से ही लक्ष्मी की कृपा तभी होती है, परिश्रम से नहीं कर सकते हो। एक रोड पति भी, रिक्शा वाला भी दिन भर परिश्रम करता है, लेकिन रोटी रोटी उसको नहीं मिलती है, क्योंकि लक्ष्मीपति की सेवा उसने नहीं की है। लक्ष्मीपति की सेवा नहीं, लक्ष्मी तो लक्ष्मीपति का सेवा, नारायण की सेवा है ना। इसलिए महाप्रभु बोले इनको भंडारा दो, उत्सव दो, संतों को भक्तों को उत्सव दो। उत्सव देने से क्या होगा, जैसे जो पैसा हमने कमाया, जो पैसा हमने कमाया, सारे एनर्जी कहां पर लगाया? पैसा, एनर्जी लगा पैसा। जब वो पैसा जब भक्तों की सेवा में लग जाती है, फिर क्या होता है, एनर्जी लगाया पैसा में, जब भक्तों की सेवा में लगा, उसको द्वारा तुम्हारी कुछ संस्कार बन जाता है, उसमें कुछ संस्कार बनती है तुम्हारी। संस्कार बनने पर फिर भजन में इच्छा होती है। इसलिए प्रभुपाद टीका में लिखते हैं, क्यों महापुरुष को शिक्षा दी, वैष्णव सेवा करो, क्यों? वो जो पैसा कुछ जब भक्तों सेवा में, भगवान सेवा में लगेगा, फिर तो जाकर के भजन में तुम्हारी प्रवृत्ति होगी, भजन में तुम्हारी प्रवृत्ति होगी भजन में। इसलिए यहाँ पर महाप्रभु बोले क्या, बोले दंड देंगे, बोले क्या दंड देंगे, सेवा करो संतों की, सेवा करो भक्तों की, सेवा करता वो बड़े खुश हो गए। उन्होंने नाव, वो तो बहुत बड़े आदमी, बहुत बड़े आदमी रघुनाथ दास को संत बहुत बड़े हैं, वो तो अरब खरब पति है, नाव में भर भर करके चीड़ा मंगवाया, चीड़ा और क्या मंगाया, दही और दूध, केला, बंगला में संदेश। हाँ देखो ये बंगाली बैठी हुई सब इसको समझ में आएगी, इसलिए उन्होंने सब उन्हें भर भर करके मंगवाया है, भर भर करके मंगवाया, मंगवा करके ना दो तरह का, और मिट्टी का पात्र में, हाँ मिट्टी का पात्र में उन्होंने एक तरफ में दूध गर्म किया, एक तरफ में एक तरफ, दूसरे तरफ में दही है, दही दूध, उसमें जो चिड़वा है ना उधर का बहुत बढ़िया खाना है। हम लोग तो जैसे गुजराती हो, हम देखना सुदामा जब कृष्णा दर्शन के लिए गया था, क्या लेकर गया था, चिड़वा लेकर गया था है, पोहा, तो लोग पोहा बोलते ना चिड़वा, इसलिए उसको लेकर गए थे। और भगवान दो मुट्ठी खाए तो त्रिभुवन का, सुदामा को त्रिभुवन का राज्य दे दिया है, राज्य दे दिया। इसलिए उन्होंने दो दो तरह का बना करके उन्होंने, और उसमें केले और आम, अभी आम का सीजन है ना, बहुत बढ़िया बनता है, हैं चिड़ा दही बंगाल में तो बहुत बढ़िया खाना है, बंगाल बिहार उड़ीसा तीनों में खाते हैं, लेकिन आप लोगों का इस तरफ पता नहीं, तुम लोग खाते भी नहीं, इधर तो नहीं है और गुजरात में नहीं, लेकिन बंगाल बिहार उड़ीसा, अगर किसी बिहारी को पूछो बिहार का सबसे बेस्ट खाना क्या है, बोले चिड़वा दही, चिड़वा दही है, हाँ वो बोले सबसे बढ़िया खाना है, हैं बंगाल में भी खाते और उड़ीसा में भी खाते, बढ़िया सुंदर संदेश चीनी और उसमें दूध केले सब डाल करके ना, आज प्रभु जी घर पर है ना, इधर लाए हो, लाए हो हाँ, लेकिन उसमें आम डालते तो और टेस्ट होता है। अभी इधर आम, अभी अभी तो हमारे भारत में अभी आम का सीजन है, हैं आम का बहुत बढ़िया सीजन है, वहाँ पर हापुस आम है और दशहरी चौसा उतर तरह का आम है, उसमें डाल करके हाँ, उसमें थोड़ा कर्पूर डाल करके उन्होंने क्या किया उन्होंने, और वहां पर नित्यानंद प्रभु उनका परिकर थे और महाप्रभु जगन्नाथपुरी में, लेकिन वहां पर बड़े सुंदर आसन बिछवाया और श्री महाप्रभु को उन्होंने बुलाया, महाप्रभु स्वयं जगन्नाथपुरी में थे, वहीं पर साक्षात रूप में प्रकट हो गए, लेकिन ये चीज को सब नहीं देखा, विशेष विशेष भक्तों ने ये चीज को देखा, देख करके उन्होंने महाप्रभु को भोग लगा करके फिर तो
जो हाड़ी के जो पात्र में दूध केले और संदेश, तो बंगाल में संदेश सबसे बेस्ट है। कभी खाए हो बंगाल की संदेश? खाए नहीं तो नवद्वीप परिक्रमा में जाओ खाओगे। इसलिए वहाँ के संदेश जो मीठा है ना, ऐसे संदेश दुनिया में कहीं मिलती नहीं। बंगाल का जो मीठा है ना संदेश, उसमें बहुत सुंदर संदेश है, उसका स्वाद ही अलग, वही चीज दुनिया में कहीं बनती नहीं। अगर इधर कोई बंगाली आए तो बना सकता है। नहीं, इसको थोड़ी मीठा बनाना आती है। इसलिए उन्होंने सब भक्तों को दिए और भक्त लोगों ने तुम्हें भक्त लोगों ने प्रसाद पाए। भक्तों का हृदय में भगवान है। जब उन्होंने भक्त लोगों ने प्रसाद को पाए, भक्त लोग बड़े खुश हो गए। तो यहाँ पर कहते हैं, कहते तुम्ही जे कराइला इहा इहा पुलीन भोजन, तुम्हारे कृपा करी गौर कैला आगमन। यहाँ रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे हैं, जैसे कृष्ण और बलराम क्या करते थे, जब सखाओं को साथ में गैया चराने के लिए जाते थे वृंदावन में, जमुना किनारा में बैठ करके अपना सारे ग्वाल बालों को लेकर कृष्ण बैठते थे, कृष्ण बीच में बैठते थे और सखा लोग चार तरफ में घर फिर बैठते थे। और अपना घर से जो भोजन लाते थे पहले कृष्ण को खिलाते थे, पहले खाते थे हैं। लेकिन कृष्ण तो एक ही कृष्ण, हजार हजार सखाएं, लेकिन कृष्ण सभी को ऐसे लगता था कृष्ण हमारे पास, कृष्ण मेरे पास में। कृष्ण जैसे सालग्राम है, उसका मुंह भी चारों तरफ में सालग्राम का, बताओ किधर मुंह किधर हाथ किधर प्यार, सर्वत्र प्यार हाथ मुंह सर्वत्र ही है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, जैसे कृष्ण सखाओं को साथ में पुलिन भोजन करते थे वृंदावन में, लग रहा था सख्यात, जैसे यहाँ पर यमुना, यहाँ पर गंगा है, हैं? यहाँ पर गंगा सारे भक्तों को लेकर के महाप्रभु यहाँ भोजन कर रहे हैं। बोले कृपा करी कैल चीड़ा दुध भोजन, नृत्य देखी रात्रि कैल प्रसाद भक्षण, तुमा उधारिते गौड़ आईला अपने, छुटी लो तुम्हारे जतो विघ्ना दिवंदन। यहाँ पर कह रहे हैं महाप्रभु स्वयं वहां पर आए, जब सारे भक्तों को उन्होंने सेवा कराया, भक्तों का आशीर्वाद से ही, संतों कृपा से ही भगवान मिलते हैं, नहीं तो ठाकुर ऐसे हमें नहीं मिलते। भक्तों की कृपा जब की तब उनका सारे बंधन इनकी खत्म हो गई। बोले स्वरूपे स्थाने तमा करी वे समर्पण, अंतरंग भृत्य बली राखी वे चरण, निश्चित हैया जाहो आपने भवन, अचिर निर्विघ्न पावे चैतन्य चरण। नित्यानंद प्रभु कृपा की, बोले अभी तुम्हारी ऊपर में महाप्रभु का कृपा हो गया, अभी क्या करो, अभी तुम अपना घर में जाओ, बस तुम्हारी बंधन खत्म हो गया। क्योंकि भक्तों को कृपा मिली है, भक्तों के हृदय में भगवान का निवास, ये सब के सब आशीर्वाद ही, जाओ तुम घर में जाओ। जब उन्होंने सारे संतों का आशीर्वाद लेकर घर में चले गए, जब घर में चले गए नित्यानंद प्रभु क्या किया, अपना चरण उनका सर पर रखे, आशीर्वाद दिए हैं, भक्त लोग आशीर्वाद दिए। जब अभी घर में गए ना, पहले ये क्या करते थे, घर में घर को अंदर में रहते थे, अभी घर में जब गए घर में अंदर में प्रवेश नहीं किया, उनका घर को बाहर। अब देखना हमारे भारत में सबसे पहले वहां पर, अभी भी बंगाल में जाओगे वहां पर देखोगे घर को बाहर सभी का एक एक मंदिर है, घर में सबके सब घर में मंदिर को स्थापन करते थे हर घर घर में। तो भारत में बंगाल में ठाकुर जी के लिए तो घर को बाहर अलग, ठाकुर जी के लिए मंदिर बनाते हैं, घर को अंदर नहीं, घर से बाहर अलग बनाते हैं भगवान के लिए मंदिर। सबसे पहले देखते हैं अपना कैसे रहे, नहीं पहले क्या देखते थे, ठाकुर जी के लिए कोई स्थान है कि नहीं, ठाकुर जी के लिए, जिसने तुम्हें सब कुछ दिया, जिसका सब कुछ है, जिसने दिया तुमने सब कुछ है, जिसका सब कुछ, पहले उसको देखो, पहले उसको देखो। जितने तुम भगवान की सेवा करोगे प्रेम से प्यार से, तुम उतना ही सुखी रहोगे हैं। जिसने सब कुछ दिया, पहले अपने आप को मत देखो, भगवान के लिए कुछ है कि नहीं देखो, पहले अपना खाना मत देखो, हम जो कुछ बनाते हैं ठाकुर के लिए है कि नहीं, ठाकुर जी के लिए, जिसने तुम्हें दिया, जिसका सब कुछ है, पहले उसको देखो उसके लिए कुछ है कि नहीं, पहले उसको, बाद में अपने आप को देखनी चाहिए। इसलिए घर के बाहर जो वहां पर माता देवी की उनको वहां पर पूजा होती थी, हाँ मंडप, उन्होंने उसी मंदिर में रहे, अब अंदर में नहीं गए, घर को अंदर में नहीं। एक दिन पहचान से किया हुआ, लेकिन अभी क्या हुआ, वो तो बहुत बड़े घर के,
उनको पीछे 5-6 व्यक्ति लगे हुए थे। क्यों? ये घर छोड़कर नहीं चले जाए। कितना बार भाग गए घर छोड़कर के भजन करने के लिए, लेकिन पकड़ पकड़ कर लाए 5-6 व्यक्ति हर समय में। सोए तो तभी पहरादार है, पेशाब करने के लिए जाए पीछे पीछे पहरादार है, हैं पहरादार है, जगे तो पहरादार है। क्यों? ये मंदिर छोड़ के घर छोड़कर भाग नहीं जाए। इतने में क्या हुआ, वो जो मंदिर के जो पूजा करने वाले जो पुजारी एक दिन आया है, जब सवेरे आरती होती है ना, अब दिन भर जगे रहे हैं उनको देखते रहे, लेकिन जब पुजारी नहीं आया अभी क्या होगा, पुजारी आएगा तब तो मंदिर खोलेगा। इतने में इनके जो गुरु जी थे हैं, इनका जो जदुरंजन आचार्य जी थे, बोले रघुनाथ एक काम करोगे? बोले बताओ गुरु जी। बोले पुजारी अभी तक नहीं आया, एक काम करोगे पुजारी को थोड़ा बुला लोगे? बस उनको मौका मिल गया, मौका मिल गया। और रात भर जो पहरादार तो सो गए सवेरे, इतने बस उन्होंने इसी बहाना को बनाए, बहाना बना करके बस पुजारी को बुला निका है, बहाना बना करके घर छोड़कर फिर भाग गए। छोड़कर कहाँ भाग गए? वो बंगाल में रहते थे, बंगाल में, लेकिन उसको छोड़कर वो चले गए जगन्नाथपुरी। हाँ, पहले तो ट्रेन बस कुछ नहीं होता था, चल चल करके, कहते हैं चल चल करके रास्ता में 12 दिन पर चलते चलते पहुंचे, लेकिन 3 दिन केवल उन्होंने भोजन किया है, हैं 3 दिन भोजन किया, और उन्होंने किसी तरह से बीच में कुछ दूध कुछ थोड़ी सी फल फल खा करके 12 दिन में पहुंचे कहां पर? श्री महाप्रभु के पास में। फिर जो रास्ता छोड़ करके बिना रास्ता में गए, क्यों? फिर पकड़ करके कोई घर में नहीं ले जाए, पकड़ करके घर में कोई ले नहीं जाए। फिर जब महाप्रभु के पास में पहुंचे, महाप्रभु इतने प्रसन्न हुए, इतने खुश हुए, महाप्रभु स्वयं कहते हैं, क्या कहते हैं? बोले तुम्हारे ऊपर में भगवान की बड़ी कृपा है। इसलिए बंगला में एक कहावत है, कोटि जन्म रे थाकिले भाग्य, विषय छाड़ी है वैराग्य। ये कौन ये विषय को छोड़ करके वैराग्य बन करके संत बन कर कौन भक्ति करता है, हैं? बोले कोटि जन्म करोड़ों जन्म का जब कोई पुण्य हो तभी कोई ये संसार माया ममता को छोड़ सकता है, नहीं तो ये माया ममता जो मोह है बिना झंझर के हाथ पैर में क्या बड़ा हुआ है, श्रृंखला बड़ा हुआ है। चाहने पर भी घर से प्यार नहीं, चाहने पर भी जा सकते हो घर से प्यार, बाहर रह सकते हो? नहीं जा सकते। क्यों? घर में बीवी बच्चे परिवार है, ये माया की बंधन बिना झंझर के ये बंधन है, इसको छोड़ना इतना आसानी बात नहीं। लेकिन जिसको ऊपर में करोड़ों जन्म का कोई पुण्य हो तभी ये माया ममता मोह को कोई छोड़ करके भगवान की भक्ति के लिए तभी कोई जा सकता है, नहीं तो घर से निकलना बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है घर निकलना। इसलिए महाप्रभु बोले ठाकुर का बड़ी कृपा तुम्हारे ऊपर हुई। ये विषय रूपी जो बीष है, महाप्रभु कहते हैं विषय रूपी जो बीष है तुमको तो नरक से कैसे निकल करके आ गए प्रभु की भजन करने के लिए, हैं? जब आए महाप्रभु ने किया, जब फिर उनको गांव में फिर हल्ला हो गया, रघुनाथ दास गोस्वामी तो फिर घर छोड़कर भाग गया, क्योंकि गांव में सबसे बड़ा आदमी था ना, वहां पर बहुत बड़ी जगह, बोले सप्त गांव है, वहां बहुत बड़े बड़े जगह है, वहां के पूरा मालिक माना वहां की, बोले वो फिर भाग कर छोड़ गया, हल्ला हो गया। फिर उसको पिताजी का जो पता चला, लेकिन अभी तक तो क्या करते थे, पकड़ पकड़ कर ले जाते थे, लेकिन अभी नित्यानंद प्रभु का कृपा मिला था, सांतों की सेवा की ना, भगवान के आशीर्वाद, नित्यानंद प्रभु फिर उनको फिर लाने के लिए फिर उन्होंने कोई कोशिश नहीं किया। फिर उनको पिताजी ने क्या किया, वो बहुत बड़े जिस राजा के घर के 4-5 नौकर भेज दिए और सोना चांदी देकर भेज दिए, बोले मेरे बेटे तो इतना बड़ा घर का है, कभी घोड़े के बगैर कोई जाता नहीं था, कुएं से पानी निकाल कर 4-5-6 सेवक जिसको थे, हैं, खाना बनाने वाले थे, उस राजा के बेटा जैसे ना, जाओ जाकर मेरे बेटे को सेवा करो, वहां जाकर पैसा भेज दिया, लोग भी भेज दिए। तो उन्होंने महाप्रभु के निमंत्रण करते थे, महाप्रभु कुछ दिन आए, लेकिन उसको बाद में उन्होंने पिताजी का जो पैसा उन्होंने लेकर के जो भोग कर ये कर रहे थे, कुछ दिन बाद उनको भेज दिया, बोले तुम घर में चले जाओ, जरूरत नहीं हमारी पैसा की। जब महाप्रभु पूछे भैया हमको निमंत्रण देता था घर में आओ प्रसाद पाओ, अभी तो वो हमें निमंत्रण देता ही नहीं, क्या हो गया? बोले उनने जितने सब नौकर फोकर पैसा था ना सब घर में भेज दिया, तुम जाओ।
घर में चली जाओ, मेरे लिए कोई चिंता मत करो। तो महाप्रभु बड़ी खुश हो गए। क्यों बोले खुश हो गए? क्यों बोले देखो, जो सबको जो छोड़ करके भक्ति के लिए आता है भजन के लिए, उनको कृष्ण को ऊपर में उनको भरोसा होनी चाहिए। जो छह तरह का शरणागति में एक शरणागति है रक्षी सती इति विश्वास, भगवान जरूर हमें रक्षा करेंगे। क्यों? जब वो चींटी से लेकर के हाथी को भी पालन करने वाले हैं, चींटी से लेकर के हाथी को पालन करते हैं, दुनिया को तो पालन करने वाले ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी है। जब वो दुनिया को पालन करते, क्या हमें वो पालन नहीं करेंगे? हम तो उनकी शरण में आए, हम उनकी शरण में, इसलिए तुम चले जाओ, हम देख लेंगे, कोई चिंता मत करो। महाप्रभु बहुत खुश हो गए, बहुत खुश हो गए। लेकिन अभी खाएगा कहाँ? जगन्नाथपुरी गए हो ना? जगन्नाथपुरी, वो जगन्नाथपुरी में वहां पर एक नियम है। अब जगन्नाथपुरी कभी गए देखे हुए? वहां पर जगन्नाथ मंदिर में दाल चावल सब्जी खट्टा खीर मालपुआ रसमलाई लेटीगिन चमचम बड़े सुंदर सुंदर वहां प्रसाद, जगन्नाथ मंदिर में बड़े सुंदर सुंदर प्रसाद वहां बिकता है। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, जो बच जाती है, जैसे बाहर जो लोग दुखी दरिद्र लोग होते हैं, वो प्रसाद उनको दे देते हैं, ला करके दे देते हैं। वो अभी ये क्या कर रहे हैं, वो इंतजार करते हैं, जब इनकी प्रसाद किसका बिकेगा नहीं, जैसे ला करके हम दे देगा, बस उसको भोजन करके हम भजन करेंगे। वो ऐसे ही भजन करते थे। महाप्रभु ने पूछा स्वरूप दामोदर को, रघुनाथ सुसन क्या कर रहा है? बोलो अभी तो सिंह दरवाजे को बाहर खड़े रहते हैं, हैं? जब प्रसाद कोई बिकेगा नहीं उसको ला करके दे देंगे और भजन करेंगे। महाप्रभु ने पहले तो प्रसन्न थे, बाद में बोले कि ठीक नहीं है, कहते ये वेश्यावृत्ति। उन्होंने बोले वेश्यावृत्ति, वेश्यावृत्ति मतलब क्या होता है? जो वेश्याएं होती है वो ना वो इंतजार करती रहती है, भाई अमुक पुरुष आ रहा है, वो जरूर शायद मेरे पास में आएगा, लेकिन देखता है वो आए नहीं, फिर चला गया, दूसरे व्यक्ति को इंतजार करता है, शायद अमुक व्यक्ति शायद आ रहा है, शायद मेरे पास में आएगा, लेकिन देख वो भी आ नहीं आ, वो भी चला गया। जैसे वो इंतजार करता है वो आएगा शायद मेरे पास में, कभी ये भी ऐसे है, क्या है, इंतजार कर रहे कब कोई आएगा, देकर जाएगा तो खाएंगे भजन करेंगे। बोले ये भगवान के प्रति इनकी विश्वास नहीं और ये वेश्यावृत्ति है, ऐसे नहीं करनी चाहिए हैं। इसमें क्या होता है, आप केवल दूसरों के ऊपर डिपेंड कर तो आएगा देगा खाएगा, बोले तुम्हारी जो चिंतन है ना उधर, भगवान प्रति तुम्हारी चिंतन नहीं रहती है, बोले ये ठीक नहीं है। ये बात जब सुने ना उन्होंने उसको भी परित्याग कर दिया, उसको भी उन्होंने परित्याग कर दिया। परित्याग कर दिया तो फिर कहां खाएंगे? अरे खाएंगे क्या, वहां पर मंदिर में जो चावल नहीं बिकता था, एक दो दिन बाद जो चावल जैसे बिकता नहीं, खराब हो जाता है ना, एक स्थान वहां पर, कभी पूरी जाओ देखोगे एक स्थान है वहां पर लेकर के उसको फेंक देते, फेंक देने पर जो गैया है ना वो आकर के उसको गैया खाते हैं, है? खाते हैं। रघुनाथ दास को सुन वो क्या करते हैं, और एक है ना हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? पीछे तक आ रही है? हाँ, एक बार हाथ उठा कर बोलता हूँ, बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम, हरे बार जोर करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। अभी रघुनाथ दास गोस्वामी वो क्या करते हो, जो चावल जो फेंक देते ना उसको, अब देखना उसको जब दो चार बार धो दो, हैं धो दो उसको, बीच में देखना थोड़ा टान टान होता है, वो बच जाती है, हैं? उसको दो तीन बार धो करके उसमें थोड़ा नमक डाल देते हैं और नमक डाल करके ना उसको खा लेते हैं। अभी ऐसे भजन कर रहे हैं, और भजन कैसे कर रहे हैं, उनको भजन क्रिया बताए, कहते ये एक एक लाख हरिनाम करते थे प्रत्येक दिन, कितना हरिनाम करते थे? एक लाख 64 माला रोज करते थे, और 1000 बार सारे वैष्णवों का भक्तों का नाम लेकर के
धामों का नाम को लेकर जैसे हम लोग जय ध्वनि देते हैं ना, जय श्री श्री गुरु गौरांग विगा गिरधारी राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जी जय, जैसे जय देते हैं वो ऐसे नहीं, एक बार एक भक्तों का नाम लेते धाम का नाम पूरा लेकर लेट जाएंगे, पूरा एकदम साष्टांग प्रणाम फिर खड़े हो जाएंगे, फिर दो बार प्रणाम करेंगे फिर खड़े हो जाएंगे, तीन बार प्रणाम कर फिर खड़े हो जाएंगे, हैं 1000 बार ऐसे दिन में सारे भक्तों का संतों का नाम लेकर प्रणाम खड़े हो जाएंगे ऐसे। और दिन इतना भजन करते थे वर्णना करते हैं केवल 1.5 घंटा किसी तरह से 24 घंटा में 1.5 घंटा किसी तरह से सोते थे और 22.5 घंटा पूरा भगवान के नाम कीर्तन भजन महाप्रभु की कथा सुनना महाप्रभु की कथा लिखना ऐसे ही भजन करते थे और 1.5 घंटा सोते थे। और कभी कभी क्या होता था वो 1.5 घंटा भी अगर कोई विशेष काम आ जाए ना वो 1.5 घंटा भी नहीं सोते थे, मतलब 24 घंटा में 24 घंटा प्रभु की कथा लीला में ही सब उसमें डूबे रहते थे। अब बोलो ऐसे कैसे अगर हम एक दिन नींद नहीं आ गया ना, अब एक दिन अगर अब सोया नहीं क्या होता बता, एक दिन अगर सोए नहीं हम तो अवस्था खराब हो जाता है, आग लाल लाल हो जाता है, हाँ शरीर में आलसता आ जाती है, काम नहीं किया है ना, एक दिन अगर नींद नहीं आई, लेकिन उनको तो पूरा ऐसे कैसे करते रहते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं देखो हमारे ये हमारे शरीर का धर्म है, लेकिन वो शरीर से वो ऊपर में स्थिति है आत्मा धर्म में ये प्रतिष्ठित हमसे बहुत उच्च है, इसलिए उनका जीवन ही प्रभु का भक्ति ही इनकी जीवन है। जैसे हरिदास ठाकुर कितना हरिनाम करते थे बोलो, 3 लाख। अगर हम अगर हरिनाम 1 लाख करें कितना समय लगेगा बोलो, कितना समय लगता है 1 लाख हरिनाम करने के लिए। कल तो पांडव निर्जला व्रत था ना, कोई कोई 1-1 लाख हरिनाम किया किया है 1-1 लाख कोई, आप देखना 7 घंटा से कम नहीं लगता है। अगर कोई व्यक्ति अगर 3 लाख हरिनाम करेगा तो कितना हो जाएगा, 20-21 घंटा लग जाती है केवल 3 लाख। फिर तो खाना पीना सोना है ना, कैसे फिर वो करते हैं। इसलिए अभी हम लोग बद्ध जीव है ना, माया में फंसे हुए, इसलिए हमें ये चीज कष्ट होता है। लेकिन जब हम इससे ऊपर चले जाएंगे ना, जब हम इससे ऊपर चले जाएंगे फिर तो हमें कष्ट नहीं होगा, नहीं सोएंगे तो तभी काम हमारी चलेगा। ठाकुर जी को भूख लग रहा है, ठाकुर जी को भूख लग रहा है, एक बार जा भूख लग रहा है। इसलिए वो ऐसे उनकी भजन पद्धति ऐसे थी, हैं ऐसे भजन पद्धति ऐसे वो भजन करते थे। इसलिए महाप्रभु को पता चला वो कैसे भोजन कर रहे हैं, वो ऐसे भोजन कर रहे हैं। फिर उसको सुनते ही एक दिन महाप्रभु से मांगे और आ करके बोले रघुनाथ तो रोज रोज इतने बढ़िया बढ़िया भोजन करते हो और मेरे को बिना दिए तुम भोजन कर लेते हो। उसको ना महाप्रभु उठा करके एक बार खा लिए, फिर महाप्रभु 2 बार खाए, बोले बाप बड़े स्वाद है इसमें, बड़े स्वाद। वहां पर स्वर्ग दामोदर उनका हाथ पकड़े, बोले बोले नहीं ये आपका भोजन नहीं है, ये आपका भोजन नहीं है, आप इसको मत लिया करो हैं। ऐसे ही रघुनाथ दास गोस्वामी भजन करते थे और महाप्रभु बड़े प्रसन्न होते थे उसको बारे में। फिर महाप्रभु उनको भेज दिया कहाँ, नव उनको भेज दिया वृंदावन धाम भेज दिया, बोले जाओ वृंदावन में जाकर भजन करो। तो उन्होंने उनको 2 चीज दिया था, क्या क्या 2 चीज दिया था पता है, 2 चीज क्या दिया था, गुंजा माला। हाँ, इसलिए एक शंकरारण्य थे, जब ये वृंदावन से गए थे नवद पुरी गए थे, यहाँ से उन्होंने गिरिराज सीता को लेकर गए थे और गुंजा माला, ये 2 चीज लेकर गए थे। तो उन्होंने ये 2 चीज को उन्होंने प्रदान किया है महाप्रभु, बोले देखो रघुनाथ ये जो गुंजा माला है ना ये राधा रानी का स्वरूप है और जो गिरिराज शिला है ये स्वयं कृष्ण है। तो उन्होंने ये दोनों को सेवा करते थे, कभी आंखों का आंसुओं से हैं हृदय में लगा कर, कभी आंखों के ऊपर में कभी हृदय में लगा करके उनको सेवा करते थे। और उनको जगन्नाथ जी को जो खाजा भोग लगाया करते थे उनको, तो उन्होंने ये 2 चीज उन्होंने दिए, बोले 2 चीज लेकर के जाओ कहाँ, वृंदावन धाम जाओ। तो वो वृंदावन धाम आए, जब वृंदावन धाम में आए तो अभी भी वो 2 चीज है वहां पर, एक राधा गोकुलानंद मंदिर है
अभी भी वो वहाँ पर बैठा हुआ गिरिराज शिला और गुंजार माला अभी भी आपको देखने को मिलेगा। तब तो उन्होंने आए, जब आ करके राधा कुंड श्याम कुंड में वहीं पर रह करके, वहीं पर रघुनाथ दास गोस्वामी वहीं पर रह करके भजन करते थे। जब भजन करते थे राधा कुंड श्याम कुंड के बीच में बैठ करके भजन करते थे, और राधा रानी स्वयं जब धूप में बैठ कर भजन करते थे, राधा रानी अपना कपड़े को अपना उत्तरी से उनके सर के ऊपर में छाया करके राधा रानी खड़ी रहती। एक दिन सनातन गोस्वामी ने देखा राधा रानी स्वयं उनको पीछे खड़ी हुई और अपना सुंदरी से उनको छाया करके खड़ी राधा रानी, और देखा पास में ना ये बाघ आकर के पानी पी करके जा रहे। सनातन गोस्वामी बोले रघुनाथ ये राधा रानी को क्यों कष्ट देते हो, और मैंने देखा तेरे पास में शेर पानी पी रहे थे तेरे पास में, नहीं ऐसे राधा रानी को कष्ट मत दिया करो। फिर उन्होंने उनके लिए पत्ते से एक कुटिया बना दिया, बोले कुटिया को अंदर में रह करके तुम भजन साधन करो और राधा रानी को कष्ट मत दिया करो, उनको मना कर दी है। जब वहीं पर रह करके फिर रघुनाथ दास गोस्वामी वहां पर सोच रहे थे, क्या सोच रहे थे, बोले राधा कुंड श्याम कुंड बड़े सुंदर कुंड है, लेकिन रोज तो लोग आते हैं स्नान के लिए, पानी पीने के लिए, लेने के लिए, स्नान के लिए, आचमन के लिए, लेकिन पहले वो एकदम कीचड़ कीचड़ था, अभी जैसे बंधा हुआ ना बड़े सुंदर, पहले ऐसे नहीं था। तब इनकी मन में इच्छा हुई अगर ये राधा कुंड श्याम कुंड किसी तरह से उसको बढ़िया से पत्थर से अगर बंध जाए तो लोग स्नान कर सकते हैं, पानी को व्यवहार कर सकते हैं। इनके मन में कभी इच्छा हुई, फिर सोच रहे हैं ये वृंदावन धाम तो अपराकृत दिव्य है, इसलिए श्री भक्त विनोद ठाकुर कहते हैं ना, है कहते हैं राधा कुंड तट कुंज कुटीर, और वहां पर एक भजन आता है, क्या भजन है, हाँ चिंता मणिमय, वहां पर भजन है बोले चिंता मणिमय राधा कुंड तट ताहे कुंज सत सत प्रभाल विद्रोम मय तरुलता ताहे कुंज सत सत। इसलिए उसमें कहते हैं जो वृंदावन धाम जो राधा कुंड वो साधारण स्थान नहीं है, बोले वो जो कुंड में जो सीढ़ी बनी हुई ना वो सीढ़ी नहीं वो चिंतामणि से बनी हुई है, और वहाँ जो वृक्ष है जो बड़े सुंदर सुंदर कुंज है, कहते जो मुक्ता फल उसमें फला हुआ, मुक्ता फल सुने कि नहीं, मुक्ता आठ तरह के मुक्ता है, है? देखते वहाँ वृक्ष में अभी भी ब्रज में मुक्ता वृक्ष है, मुक्ता वृक्ष है जिस फल में स्वाभाविक रूप में वृक्ष में वो मुक्ता फल आता है, बड़े सुंदर सुंदर मुक्ता फल आती है। कहते वृंदावन धाम और जो राधा कुंड ये दिव्य धाम है, है? दिव्य धाम है। अभी सोच रहे हैं मैंने ये दिव्य धाम है मेरे मन में क्यों इच्छा हो रही है इसको अच्छे तरह से बंधा दो, सीढ़ी को अच्छे तरह से बन जाए। इतने में इनकी भावना को समझते हुए एक बहुत बड़े कोई एक जमींदार था, वो बहुत सारे पैसा को लेकर के जा रहा था बद्रीनाथ सुंदर करके बद्रीनाथ जी का मंदिर को बनाएंगे। इतने में ठाकुर जी स्वप्न दिए वो सेठ को, बोले सेठ जी ये पैसा लेकर के चले जाओ कहाँ वृंदावन में, राधा कुंड में एक संत है जिनका नाम रघुनाथ दास गोस्वामी, ये पैसा उनको दे देना, उनकी इच्छा है राधा कुंड श्याम कुंड को बनाने के लिए। वो जो पैसा लेकर जा रहा था ना सारे पैसा लेकर वृंदावन में आ गया और रघुनाथ दास गोस्वामी को दिया, ठाकुर जी स्वप्न दिया इसको ले लो और ये राधा कुंड श्याम कुंड को अच्छी तरह से बना दो। पहले सोचे हे भगवान मेरे मन में ऐसे क्यों भावना आई, ये राधा कुंड तो दिव्य धाम है, दिव्य धाम श्री वृंदावन धाम श्री राधा कुंड है, मेरे मन में ऐसे भावना किया है। बोले भैया पैसा की जरूरत नहीं, पैसा लेकर तो चले जा, पैसा लेकर चले जा। फिर ठाकुर जी स्वप्न दिए, बोले रघुनाथ इसको रखो क्योंकि यहाँ पर भविष्य में लाख लाख लोग यहाँ पर आएंगे और आएंगे तो वो लोग आचमन करेंगे स्नान करेंगे और यहाँ चारों तरफ में कीचड़ कीचड़ है, उसको रख लो। फिर उन्होंने स्वप्न दिया, स्वप्न दिया तो उन्होंने इसको रख लिया। राधा कुंड से आप देखेगी नहीं, कौन कौन देखे हो, सब देखे हो अब देखना। तब उन्होंने राधा कुंड को देखना चौकोना करके, देखना राधा कुंड एकदम चौकोना करके बना हुआ है राधा रानी सीधी जाती है ना, इसलिए देखना कुंड भी बड़े सीधी जाती है चौकोना करके।
लेकिन जब उन्होंने कृष्ण कुंड को बनाने के लिए गए, अभी उसको अच्छे तरह से काट करके बढ़िया से बनाना पड़ेगा, इतने में रात में स्वप्न आया रघुनाथ दास गोस्वामी को। कौन? पंच पांडव ने स्वप्न दिया। बोले रघुनाथ, हम लोगों पंच पांडव, तुम आकर दक्षिण दिशा में देखना, पांच वृक्ष है। उन्होंने बताया पांच वृक्ष क्या क्या वृक्ष है। कहते एक वृक्ष है पीलू वृक्ष है, एक नीम वृक्ष है, एक मुक्ता वृक्ष है, एक तमाल वृक्ष है, एक अदम वृक्ष है। देखोगे एक लाइन से ये पांच वृक्ष है। ये पांच वृक्ष नहीं, हम पंच पांडव, हम राधा रानी की कृपा पाने के लिए, ब्रज भक्ति को पाने के लिए हम लोग यहाँ पर लाइन से खड़े हुए। हम पांच वृक्ष नहीं, हम पंच पांडव है। अगर तुम ये कुंडों को चारी गुणा करके बनाने जाओगे फिर हम कटे जाएंगे। अभी तक हमें सिद्धि नहीं मिला है, अभी तक हमें सिद्धि नहीं हुई है, इसलिए काटना नहीं। जैसे है कुंड वैसे ही बना। जब उन्होंने स्वप्न देखा, सचमुच से सवेरे आकर देखा, ये पांच वृक्ष पंच पांडव खड़े हुए। पंच पांडव एक लाइन से वृक्ष बन कर, इसलिए बोले थे ना, वृंदावन के वृक्ष को मर्म ना जाने कोई, डाल डाल और पात पात में श्री राधे राधे। इसलिए वृंदावन धाम का वृक्ष कोई साधारण वृक्ष नहीं, मतलब ठाकुर का जैसे इच्छा है। अब देखना कुंड को, जैसे कृष्ण तीन जगह से टेढ़े है ना, देखोगे कुंड भी तीन जगह में टेढ़े है, तीन जगह से कुंड को टेढ़े देखोगे। और राधा रानी जैसे सिद्धि साधी, देखना कृष्ण राधा कुंड भी वैसे सिद्धि साधे, राधा कुंड भी वैसे सिद्धि साधे है। भैया ठाकुर को जैसे इच्छा है वैसे होगा, इसलिए उन्होंने वैसे ही रख दिया कुंड को, उन्होंने वैसे ही कुंड जी को उन्होंने बना दिया है। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी वहीं पर बैठ करके क्या खाते थे बोलो? एक दोना केवल उन्होंने मट्ठा पीते थे, एक दोना केवल मट्ठा पी करके भजन करते थे। एक समय एक ब्राह्मण ने देखा ये दिन भर में केवल एक दोना मट्ठा पी करके, अब एक दोना मट्ठा पी के रह सकते हैं हम लोग? एक दोना इतना मट्ठा पी के रह सकते हैं? नहीं, और उससे ज्यादा लेते ही नहीं। बोले एक काम करता हूँ, जो दोना है ना थोड़ा बड़ा बना करता, दोने को थोड़ा बड़ा बना करके हैं, उसमें ज्यादा मट्ठा आएगा, कम से कम थोड़ी बहुत तो उनको है, थोड़ी बहुत तो पिए। एक स्थान था जिसका नाम था सखी स्थल, उस सखी स्थल मतलब है जो चंद्रावली, कृष्ण के सबसे दो सखी श्रेष्ठ है, एक राधा और एक है चंद्रावली। चंद्रावली वो एंटी पार्टी है, विरोध पार्टी चंद्रावली है। इसलिए वो सखी स्थली की है, वहां पर कदम वृक्ष है, कदम वृक्ष में जो पत्ता होता था वो बड़ा बड़ा पत्ता, वो बड़े बड़े पत्ता होता था, उस बड़े पत्ते में उन्होंने एक बहुत बड़ा दोड़ा बना दिया। दोड़ा बन करके उसमें भर करके, मट्ठे को भर करके उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी को दिया, कम से कम पेट तक जो भरे। तब उन्होंने पूछे, भैया इतने बड़े दोड़ा तुमको कहां से मिला, इतना बड़ा दोड़ा तुमको मिला कहां से, पत्ता लाया कहां? तब इतने में बोल दिया सखी स्थल से। कहां से? सखी स्थल। सखी स्थल मतलब ये चंद्रावली सखी का स्थान से। इतना सुनते ही रघुनाथ दास गोस्वामी को इतना क्रोध आया, उनको मारने के लिए दौड़े, उनको मारने के लिए दौड़े। बोले क्यों मारने के लिए दौड़े? क्योंकि ये जो रघुनाथ दास गोस्वामी, ये राधा रानी के पक्ष में रति मंजरी है, हैं? ये रति मंजरी राधा रानी की सखी, ये क्या करती है? मंजरियों का काम किया है, ये राधा कृष्ण दोनों का मिलन करना। कैसे राधा जी को साथ में श्याम सुंदर कैसे बुलाएंगे? लेकिन चंद्रावली कौन? वो एंटी पार्टी, विरोध पार्टी है, हैं? विरोध पार्टी है। उनकी जो सखी जो पद्मा आदि, वो क्या कोशिश करते हैं? हम कृष्ण को चंद्रावली से मिलाए। अगर कभी कृष्ण चंद्रावली को पास में चले गए ना, राधा रानी बड़ी दुखी हो जाती है, बड़ी दुखी हो जाती है। और ये जो मंजरी सखियां कोशिश करती है किस तरह से वहां से कृष्ण को बुला कर ले जाए और हमारे से राधा रानी से मिला, क्योंकि राधा कृष्ण जब मिले तो कहते ना, जय जय राधा कृष्ण जुगल मिलन आरती करे लली राधा सखी गण। इनकी जो चेष्टा रहती है, हम राधा कृष्ण को जुगल मिलन कैसे कराए, इनकी ये चेष्टा रहती है। इतना क्रोध हुआ, बोले जो हमारे राधा रानी की जो विरोध पार्टी, वहां से तुमने दोड़ा लाई हो,
फिर उसको मारने के लिए दौड़े, ब्राह्मण तो भाग गया वहां से, वहां से भाग गया ब्राह्मण, भाग गया वहां से। लेकिन इनकी जो ऊंची जो भावना है ना, इनकी जो ऊंची भावना, इनको किसको साजन कर, किसकी समझ में नहीं आया इनकी भावना कितनी ऊंची है। इसलिए ऐसे और वहीं पर रहते हुए वो क्या करते थे, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है, एक ग्रंथ का नाम है बिलाप कुसुमांजलि। बोलो क्या ग्रंथ का नाम? हाँ, कहती जो बिलाप कुसुमांजलि ग्रंथ है ना, यह हमारी संप्रदाय की, हमारे जो महाप्रभु की संप्रदाय की यह ग्रंथ सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है ये बिलाप कुसुमांजलि ग्रंथ है। ये ग्रंथ में महाप्रभु ब्रह्मा की एक दिन में, उन्होंने जो एक बार इस जगत में आते हैं, जगत में एक बार क्यों आते हैं, जो प्रेम को ब्रह्मा शंकर नारद उद्धव जो प्रेम के लिए तरसते हैं, उनके लिए जो तरसते हैं, महाप्रभु कलयुग में आ करके वो जो मंजरी भाव है राधा रानी की, जो दासी भाव है, जो मंजरी भाव, वो मंजरी भाव को वहां पर वर्णना किया है। ये मंजरी भाव देख क्या चीज, अब महाप्रभु ब्रह्मा ने ब्रह्मा की एक दिन में ये चीज देने के लिए आते थे, इसमें है क्या चीज। इसलिए वो ग्रंथ का नाम है बिलाप कुसुमांजलि। प्रभुपाद बोलते थे जरूरी ग्रंथ को हमें पढ़नी चाहिए, ये ग्रंथ को पढ़नी चाहिए। बिलाप कुसुमांजलि मतलब क्या, कहते बिलाप मतलब होता है रोना। जैसे हम लोग ठाकुर की चरण में जैसे एक एक फूल लेकर के ठाकुर की चरण में देते ना, एक एक फूल को, तब रघुनाथ दास गोस्वामी इन्होंने अपना भाव को थोड़ी सर कर बैठ दिया। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी अपना भाव रूपी जो एक एक फूल को, एक एक श्लोक नहीं, वो एक एक फूल को, श्लोक को उन्होंने श्री राधा रानी के चरण में अर्पण कर देते थे। इसलिए वो ग्रंथ का नाम है बिलाप कुसुमांजलि। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी ये राधा कुंड में बैठ करके हैं, ये राधा कुंड में बैठ कर क्या करते थे, वो एक एक श्लोक को बना बना करके श्री राधा जी के चरण में अर्पण करते थे। इसलिए इस ग्रंथ को आप लोग जरूर पढ़ना, इस ग्रंथ को जरूर एक बार पढ़ना, ठीक है ना। इसलिए इसका नाम बिलाप कुसुमांजलि। इसकी एक श्लोक सुन लो, बड़ा दुर्लभ वस्तु है ये, गुरुदेव कहते थे ये सब जगह में बोलने का वस्तु नहीं है, इसको स्वयं पढ़ करके आस्वादन करने का वस्तु है, ये दूसरों को सभा को बीच में, क्योंकि ये चीज को समझने वाले जगत में बड़ा दुर्लभ है, क्योंकि फिर इसको गलत रास्ता पर इस चीज को कोई ले जाएगा। इसलिए ग्रंथों को स्वयं को अपने आप ये ग्रंथों को पढ़नी चाहिए, सबको सामने बोलने का ये नहीं है। तभी मैं एक श्लोक बोल देता हूँ सुन लो, उसमें क्या वस्तु है। बोले तम रूप मंजरी सखी प्रतीता पुरेस्मिन् पुंसा पुरुषस्य नहि पश्यते इति। इसका भावना समझ लो, इसका भावना बहुत ऊंची भावना है। कहते यहाँ पर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहते श्री रूप मंजरी को कह रहे, रघुनाथ दास गोस्वामी रति मंजरी और रूप गोस्वामी ये रूप मंजरी, ये कह रहे हैं अपना गुरु जी को, क्या कह रहे हैं। बोले देखो, बोले तुम तो ब्रज में, कहते तुम तो ब्रज में सब दुनिया जानते हैं, ब्रज में तुम बड़ी सती नारी हो, ब्रज में तुम बड़ी सती नारी हो ब्रज में हैं, लेकिन इसी समय तुम्हारे पति तो घर में है ही नहीं, पति तो कहीं और कहीं बाहर गया हो, जो बाहर गया हुआ तुम्हारी पति है, तुम बड़ी सती नारी, लेकिन हम देखता है हरे कृष्ण, मैं देखता हूँ तुम्हारी जो होठ में है ना, कोई एक सूख पखी ने आकर के चोंच मार कर गए, तुम्हारी होठ में ये दाग कहाँ से आ गए, क्यों तुम्हारे पति तो है नहीं, पति तो बाहर गए, फिर इस होठ में दाग कहाँ से आई। ये अपना रूप मंजरी को रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे हैं, हैं? हाँ देखो ये चीज को समझो, जितना समझ सकते हो। इसका तात्पर्य यह है, यदि जो मंजरी सखियां होती है ना, ये कभी भी कृष्ण से डायरेक्ट मिलना नहीं चाहती, ये मिलना नहीं चाहती हैं, ये क्या चाहती है, इनकी भावना है हम राधा कृष्ण दोनों को कम मिलन कराए, इनकी दोनों को मिलने में ही खुश होते हैं। राधा कृष्ण से मिलते हैं, लेकिन मिलते थे राधा कृष्ण, लेकिन ये मंजरिया क्या करती हैं, ये मंजरिया दूर से केवल उनको दर्शन करती हैं। जब दर्शन करती हैं, प्लस प्रिश्यति यदि मुकुंदम राधिकांतम सखिना,
मतलब है अगर कृष्ण राधा रानी से मिलते हैं वह उनको सखियों को साथ में मिलते हैं, लेकिन मिलते हैं राधा रानी कृष्ण को साथ में, कृष्ण राधा जी को साथ में, लेकिन उसका जो प्रतिश्वेद पुलक अश्रु विवर्ण ये जो भावना है जो चिन्ह है किसको पर प्रकट होता है, ये मंजर यम को पर मिलते हैं राधा कृष्ण, लेकिन जो प्रकट होता है सारे प्रेम का चिन्ह इनको पर प्रकट होता है। मतलब पति नहीं, पति चले गए बाहर है, बाहर पति है नहीं, लेकिन उसे चिन्ह कहाँ से आया प्रेम के चिन्ह, क्योंकि राधा कृष्ण जो मिलते हैं, राधा कृष्ण जो मिलते हैं राधा जी को ऊपर में कृष्ण के जो प्रेम के चिन्ह वो अपने आप ये मंजरियों के ऊपर में ये अपने आप ये प्रकटित होता है। इसको कहते हैं ये मंजरी भाव, इसको कहते हैं। इसलिए श्री रूप गोस्वामी को रघुनाथ दास गोस्वामी ये सब चीज को रघुनाथ दास गोस्वामी चीज कहते, इसलिए ये बड़ी दुर्लभ चीज ये सब वस्तु, ये सभी को सामने बोलने का वस्तु है कि आप स्वयं ये ग्रंथ को पढ़ना, पढ़ करके स्वयं आस्वादन करना। इसलिए कहते उन्होंने बैठी बैठी करके वहीं पर उन्होंने क्या किया, कहते ये ग्रंथों को उन्होंने वहीं पर बैठी बैठी कर बनाया और ग्रंथों को उन्होंने लिखा है जिसका नाम विलाप कुसुमांजलि। और एक ग्रंथ इन्हीं का है मुक्ता चरित्र, कौन सा ग्रंथ है मुक्ता चरित्र, जो मुक्ता चरित्र ग्रंथ है। बोले एक समय, इसकी थोड़ी कथा सुनो, बोले एक समय क्या हुआ द्वारका में, जब कृष्ण द्वारका में गए और उनने 16,108 पटरानियों से शादी कर लिया, जब शादी कर लिया एक दिन कृष्ण हैं, एक दिन कृष्ण और सत्यभामा बैठे हुए थे, इतने में सत्यभामा ने प्रश्न करते हैं कृष्ण से, बोले कृष्ण मैंने क्या सुना है, अब जो ब्रज में रहते थे ना, अब जो ब्रज में रहते थे, कहते ब्रज में रहते समय आपने किया मुक्ता के पेड़ लगाया था, लेकिन मुक्ता 8 तरह का है, कितने तरह का मुक्ता है 8 तरह का, लेकिन ये मुक्ता कहाँ होता है, पानी में, समुद्र में, मुक्ता की चास भी करते हैं, मुक्ता की चास भी करते हैं, इसलिए ये मुक्ता होता है समुद्र में, पानी में होता है मुक्ता, वो 8 तरह के मुक्ता है, लेकिन कृष्ण ने जो वृक्ष लगाया, जो मुक्ता की वृक्ष है वो सबसे प्यारे सबसे न्यारे वो वृक्ष हुई है, जो मुक्ता चरित्र जिसमें मुक्ता उन्होंने वृक्ष लगाया ब्रज में। जब उन्होंने सत्यभामा ने कृष्ण से पूछे जी आपने क्या मुक्ता वृक्ष लगाए, इतना सुनते ही है ना कृष्ण रोना शुरू करते, भगवान कृष्ण रोना शुरू करते, क्योंकि उनका ब्रज की जो प्रेम है, गोपियों का जो प्रेम है, राधा जी की जो प्रेम है, हैं ये इनके प्रेम इनको याद होने लग गया, इनको आंखों से आंसू की झरी बहने लग गया। बोले सत्यभामा ये दिव्य एक कथा है, ये दिव्य प्रभु सुनाओ आपने कैसे ये मुक्ता वृक्ष कैसे लगाए। तब कृष्ण ये कथा सुनाते हैं, बोले देखो एक समय दीपावली आई, अब दीपावली मनाते कि नहीं मनाते हो दीपावली, इसलिए दीपावली आई, दीपावलियों में ये गोपियां राधा रानी क्या कर रही थी, मुक्ता की माला बना रही थी, मुक्ता की माला बना रही थी, अपना गैया के लिए बछड़े के लिए सजाएंगे, घर को सजाने के लिए। इतने में कृष्ण आए, आकर के बोले सखियों के बोले देखो मेरे भी एक हिरण है, हैं मेरे भी एक बछड़ा है, मेरे को भी थोड़ा मुक्ता फल दोगे, मैं भी चाहता हूँ अपना हिरण को बछड़े को सजाने के लिए। इतने में जो सखियां थी ना इनको साथ में हंसी दिले की बोले मुक्ता तो तू गैया चराने वाले ग्वाला है, जो गैया चराते हो तुमको मुक्ता की कीमत क्या बता, अब तू हमें मुक्ता मांग रहे हो, हैं जानते हो मुक्ता को राजा महाराज सब व्यवहार करते, तुम गैया चराने वाले ग्वाला होकर मुक्ता का महिमा क्या जानते हो, मुक्ता लोगे जो जो रिजेक्ट जो मुक्ता था ना टूटे फुटेले इसको ले ले, कृष्ण को ना उन्होंने खिली उड़ाया हंसी उड़ाया, बोले ये मुक्ता ले ले, कृष्ण को तो बड़ा बदनाम, कृष्ण को बड़े बड़े उसको अपमान बहुत हुआ, बोले मैं अपना गैया बछड़ा के लिए तो मुक्ता मांगे, तो बोले ये फटे फूटे जो रिजेक्ट है मुक्ता को दे रहे, बोले तुमको हम मजा चखाऊंगा, कृष्ण बोले मैं मुक्ता का पेड़ लगाऊंगा। तो उन्होंने गई अपना मैया को बोले बोले मैया मैया गले में लग गए एकदम, है देखना बच्चों को जो माँ से कोई चीज मांगना होता ना एकदम गले में लग जाते हैं, मैया गले में बोले मैया मैया मेरे को थोड़ा मुक्ता फल दोगे, बोले बेटा क्या करोगे, बोले मैया उसको मैं पेड़ लगाऊंगा, मैया एक थप्पड़ मारी बोले पागल मुक्ता के पेड़ क्यों होता है मुक्ता,
है, मुक्ता को थोड़ी कोई पेड़, पेड़ तो मुक्ता होता है समुद्र में, सीप में होता है मुक्ता, अतुगत तो पेड़ लगाओगे थप्पड़ मारे, कृष्ण तो चले गए डांस सुन करके चले गए जाओ। जब मैया चली गई ना, कृष्ण गए छुप करके, पहले कहां सामर्थ्य आल बारे सिंदूक, सिंदूक जानते हो, हाँ पहले सिंदूक होता था, लकड़ी का सिंदूक होता था, उसमें सारे सामान रहता था। कृष्ण गए छुप करके कुछ मुक्ता फल को लिए, और मुक्ता फल को लेकर के अपना यार दोस्तों को लेकर के जमुना किनारे में गए, और वहां पर उन्होंने खेती की। जब खेती की, जितने गोपियां थी ना बोले पागल को देखो है, अरे मुक्ता होता है समुद्र में, ये पेड़ लगा रहे जमुना किनारे में खेती में है, ये मुक्ता फल लगा रहे, वो लोग खड़ी खिली उड़ाए है इतने में। लेकिन कृष्ण कौन है, भगवान है ना, कृष्ण भगवान है ना, भगवान तो कृष्ण है ना, भगवान का मतलब क्या है, उन्होंने तो ईश्वर कहते ना, ईश्वर मतलब क्या, बोले कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम जा सकते सब ईश्वर। ईश्वर का डेफिनेशन बताया, जो है को नहीं, नहीं को जो है कर सकते, वो भगवान है, वो सर्वसमर्थ है। उन्होंने मुक्ता फल लगाए और ये गोपियों को दिखा दिखा करके ना उसमें दूध डाले है, दूध डाले, गोपियां हंस रही थी, बोले कहीं पेड़ में कहीं दूध दिए हुए देखे हो, दूध ना पेड़ मर जाएगा, लेकिन ज्यादा दूध ना पेड़ कभी मर जाएगा है, इसलिए बोले देखो पागलों को देखो, एक तो खेती फिर वहां पर दूध दे रहे। इतने में देखा सचमुच से कुछ दिन बाद में ना वहां वृक्ष हुआ, और इतने सुंदर वृक्ष हुआ, और उसमें इतने सुंदर फूल खिला जिसका सुगंध एकदम चारी तरफ में, इसका सुगंध फैल गया चारी तरफ में, और जो फल हुआ ना वृक्ष में इतने सुंदर वहां पर फल हुआ, कहते आठ तरह के फल होता है मुक्ता, लेकिन सबसे सुंदर फल हुआ ये वृक्ष में। गोपियां तो देख देख करके मिट्टी से वृक्ष से मुक्ता फल, और सबसे सुंदर मुक्ता फल है देख करके ना। और कृष्ण ने कहा गोपियां चोरी करके नहीं ले जाए, चार तरफ बाढ़ लगा दो, चार तरफ पे बाढ़ लगा दो, ये चोरी करके नहीं ले जाए, बाढ़ लगा दिया। गोपियां बोले तुमने भी मुक्ता पेड़ लगाया, हम क्या नहीं लगा सकते, हम भी लगाएंगे। लेकिन गोपियों ने क्या किया, अपना पति को बिना बोले बोले हम बाद में छुप कर रखा देंगे, जो पेड़ होगा पतियों को बोले नहीं, पति तो देंगे नहीं, बोले कहीं थोड़ी पेड़ होता है मुक्ता की। लेकिन पतियों से छुपा करके मुक्ता लाए, और ला करके उन्होंने वो भी खेती किया, बोले हम भी खेती करेंगे, बोले तुमने दूध दिया था ना, हम मक्खन देंगे पेड़ में, हाँ मक्खन डालेंगे, मक्खन देंगे। इतने में लेकिन वहां पर पेड़ हुआ जानते हैं कौन, बबूल का पेड़, कांटा की सब कांटा बिल्कुल हुआ। इसलिए आप ब्रज में अभी जाओगे ना, ज्यादा ही वहां पर कांटा कांटा देखोगे, कांटा ही वृक्ष देखोगे। ऐसे क्यों हुआ, बोले यहाँ शिक्षा देते हैं, देखो भगवान को छोड़ करके कोई भी काम कर लेना, वो कांटा के बगैर कुछ भी निकलने वाले नहीं, वो कांटा ही निकलेगा। अगर भगवान को लेकर कोई काम करोगे ना, फिर तो मुक्ता ही फल निकलेगा, मुक्ता ही फल निकलेगा। अगर भगवान को छोड़ कर कोई भी काम करोगे ना, वो कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते, वो कांटा ही बिखे निकलेगा। इसलिए पूरा कांटा ही कांटा बिखे। गोपियां तो सर पकड़ कर बैठ गए, बोले हे भगवान हम तो छुपा छुपा करके पतियों से मुक्ता को लाए, और हमने पेड़ लगाया तो कांटा बिखे हो गया है, अभी पतियों को बोलेंगे क्या, पतियों को अगर पता चलेगा ना कि सारे मुक्ताओं को लेकर जमीन में बो दिया, सब नष्ट हो गया, डंडा एक नीचे नहीं, डंडा सब पीठ के ऊपर पड़ेगा, सारे डंडा पीठ के ऊपर पड़ेगा, बड़ी दुखी हो गई गोपियां। बोले अभी क्या किया जाए, अभी क्या करें हैं, अभी तो ऐसे हो गया। बोले भैया फिर तो सोना चांदी कुछ ना कुछ दे करके मुक्ता तो लेना ही पड़ेगा, घर में रखना पड़ेगा, पतियों को पता नहीं चले। लेकिन कृष्ण तो मुक्ता हम मांगने के लिए आए, हमें तो उनको हाँ उनको फटे फटे मुक्ता उनको दे करके खिली उड़ाया, मजा क्या है, अभी हम जाए कौन सा मुंह लेकर जाए, बोले कृष्ण मुक्ता दो है। इतने में कोई कहता तू जा, बोलते मैं नहीं जाऊ, बोले तू जा, बोले मैं नहीं, बोले तू जा हाँ, अभी उसका तो धक्का मुख्य तू जा कृष्ण को बोल। इतने में फिर तो बोले किसी तरह सबको जाना पड़ेगा, फिर तो इधर उधर सोना चांदी लेकर के सबके सब कृष्ण के पास में आए, बोले कृष्णा
हमें मुक्ता फल दे दो। बोले जब मैंने मुक्ता फल मांगने गया था तुमने हमें हाँ फटे फुटे मुक्ता देख के मेरे साथ मजा किया है और तुम मुक्ता फल देने के लिए आए। फिर तो कृष्ण उनको साथ में बड़ी खिली उड़ाते हैं, बड़ी मजा करते। ग्रंथ कवि और का पढ़ना बड़ी प्रेममय ग्रंथ है, इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी ने ये मुक्ता ये मुक्ता चरित्रम ये ग्रंथों को रघुनाथ दास गोस्वामी लिखे। इसकी कथा दूसरी भी कथा आती है, दूसरी कथा आती है। अब देखना जब शादी होती है ना, आप लोग शादी किए हो, सब शादी किए हो। अब देखना हमारे भारत का जो ट्रेडिशन शादी के, हम देख लेना पहले क्या करते हैं, जो लड़की वाले लड़का के लिए कुछ देते हैं और लड़का वाले लड़की के लिए कुछ देते हैं, देते हैं कि नहीं कुछ हाँ, कुछ गिफ्ट पहले देते हैं जब उनकी शादी से पहले। उसको क्या बोलते हो, उपहार? नहीं, शादी से पहले सगाई जो होती है तो क्या बोलते गुजराती में, हाँ उसमें देखना बेटे वाले बेटी के लिए कुछ देते हैं, देते हैं ना, पहले दिए होंगे ना तुम लोग, दिए भी नहीं, हाँ उस समय देते हैं। इतने में अभी राधा कृष्ण की शादी की बात चल रही थी, जब शादी की बात चल रही थी अभी नियम है लड़की वाले लड़का वाले लड़की को कुछ दे। इतने में पहले राधा रानी जो पिता वृषभ महाराज, उन्होंने कुछ मुक्ता फल उन्होंने कृष्ण के लिए दिया, मुक्ता की हार धार है, मुक्ता की हार श्रृंगार कुछ दिए। जब दिए नियम होता है जो लड़के वाले लड़की वाले जो देते हैं उससे ज्यादा लड़के वालों को देना पड़ता है, क्योंकि वो सारे सामान तो फिर लड़की लेकर के आएगी ना, फिर इसलिए देना पड़ता है। अब जो दे उसको ज्यादा देना पड़ता है। लेकिन वृषभ महाराज ने कुछ मुक्ता की हार था कृष्ण के लिए भेजे, जब भेजे, लेकिन वृषभ महाराज नंद बाबा से भी ज्यादा धनी है, ज्यादा धनी है। इसको देख करके बोले भैया उन्होंने जो चीज दिया है, लेकिन हमारे पास में तो इतनी कीमती चीज है ही नहीं, हमारे पास में इतनी कीमती चीज है ही नहीं, हम क्या दे। अगर यही चीज को अगर उनको वापस दे दे, बोले इनके पास में कुछ है नहीं, इनके पास में बदनामी है ना, नाम बदनामी होगा, लेकिन उनसे तो ज्यादा संपत्ति हमारे पास में ही नहीं, इतनी कीमती चीज दिया। अभी तो नंद बाबा मैया जसोदा तो बड़ी चिंता में पड़ गई, उनको हम क्या भेजे, उससे कीमती चीज देनी चाहिए, अब क्या भेजे लड़की के लिए, बड़े चिंता में पड़ गए। कृष्ण ने देखा अभी क्या किया जाए, पिता माता बड़े चिंता में पड़ गए। जब चिंता में पड़ गए इतने में कृष्ण तो भगवान है, कृष्ण ने किया क्या, उन्होंने मुक्ता को वो मुक्ता को पेड़ फाल लिए, लेकर उन्होंने खेती लगाया, ऐसे खेती लगाए इसने वृक्ष में इतने मुक्ता फल हुए, इतना मुक्ता फल व्यवहार करते पुरुष। लेकिन कृष्ण तो मुक्ता फल की माला बना बना करके जितने गैया हाँ जितने बछड़े और जितने बैल को भी उन्होंने मुक्ता की फल पहना दी, और गाड़ी में भर करके उन्होंने तो एक टोकरी में दिए थे, कृष्ण तो गाड़ी भर करके मुक्ता फल उन्होंने भेज दिया था वृषभानपुर में वृषभान महाराज के पास में। इसको देख करके वो भी चकाचौंध हो गए, हम तो एक टोकरी भेजा था लेकिन उन्होंने तो मेरे गाड़ी में भर करके भेज दिए, मतलब कितने बड़े धनी लोग होएगी, ये कितने बड़े धनी लोग होएगी। इसीलिए कृष्ण ने ब्रज में ये मुक्ता वृक्ष को लगाया, अभी भी ब्रज में ये वृक्ष है, देखे कि नहीं आप लोग ने, कौन कौन देखे, हाँ परिक्रमा में जो जाओगे देखे ना, एक फल है एक जगह है उसका नाम मुक्ता, वो जो नंदगांव में स्थान है, है? मुक्ता कुंड है, और वहां पर अभी भी देखोगे जो वृक्ष है ना, वो वृक्ष में मुक्ता फल आता है, पीली रंग की सफेद रंग की लाल रंग की, अभी भी वो वृक्ष में पूरा ब्रज में मुक्ता वृक्ष अभी भी वो वृक्ष में फल आती है। इसलिए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने ये सब ग्रंथों को उन्होंने लिखा है, इसलिए अब लोग ग्रंथों को पढ़ना। इसलिए आज चिड़ादी महोत्सव है, और हमारी अब माता जी ने क्या, माता जी मीना माता जी और हमारे प्रभु जी बनाया, थोड़ा थोड़ा सबको देंगे, इसलिए चिड़ादी महोत्सव की जय, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की जय, श्री सचिनंदन गौर भाई की जय, निताई गौर ब्रह्मानंद हरि हरि बोल की हरे कृष्णा। हाँ देखो आज हम लोग किसको घर में आए हैं, क्या प्रभु जी कहाँ गए, इधर आ जाओ, क्या नाम आपकी, क्या नाम, धीरज कृष्णा, हाँ हमने इनका नाम पहले था तो धीरज,
हमने का नाम धीरज कृष्णा दे दिया, इनका नाम पर ताली बजाओ। आज इन्होंने अपना घर में भक्तों को बुलाए, हरि कीर्तन हो रही है। जिस घर में हरि कीर्तन हरि नाम सत्संग हो, भागवत कहता है बोले सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यथा चुतादर कथा प्रसंग। जिस घर में हरि कीर्तन हरि नाम हो, कहते वो घर घर नहीं है, घर क्या हो जाता है, पृथ्वी का जितने सारे तीर्थ है ना, उसी घर में सारे तीर्थ आ जाते हैं। बोले गया, गंगा, प्रभास, पुष्कर, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिया, जितने सारे तीर्थ है उसी घर में आ जाते हैं। इसलिए आज ऐसे घर घर में हरि कीर्तन और हरि नाम होनी चाहिए, ठीक है। देखो आपको बच्चे कहाँ हैं, इधर बोला, इधर आओ, और बच्चे तो नहीं कहा जा, दोनों बहुए कहाँ, उनको दोनों को बुला दो। क्या नाम है बहू प्रिया, इधर दिव्या, दोनों इधर आ जाए।